Jeez. अमन डरना मत। अगर वो सामने पीयूष निकला तो जरूर डर। यार ये शार्क टैंक ना मुझे पूरा स्क्रिप्टेड लगता है। कैसे कोई 10 मिनट में ये डिसाइड कर सकता है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट। या ये पैसे अपनी जेब से देते हैं या फिर चैनल देता है। वो सब तो ठीक है, बट एक बात बताओ, अनुपम ने सही में 200 इन्वेस्टमेंट किए हुए। वैसे मुझे ना सबसे मस्त वो लगते हैं पीयूष भाई। वो हर एपिसोड में आके ना अपने चश्मों की मस्त मार्केटिंग करते हैं। और अमन, उनका बस चले तो वो सबको नौकरी पे रख ले। कौन है भाई? राइट, वेलकम टू द हुड। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह जहां आप खुल के जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग हुड ऐप। हुड एक सिडोनिमस सोशल नेटवर्क है। इसका मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी बिना बताए कुछ भी शेयर कर सकते हैं बगैर डर। शख्स, मेरा नाम है जसवीर। मैं हूँ अभिषेक अस्थाना। और मैं हूँ दीपक कुमार। हम लोग हैं गुड़गांव से। सबसे पॉपुलर फीचर है हमारे ऐप का, वो है एनोनिमस ग्रुप्स। आप यहाँ पे आके अपने कंपनी के, कॉलेज का या कोई इंटरेस्ट का ग्रुप बना सकते हैं। एक और बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस ऐप पे आपका डेटा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। इसका मतलब है कि आप जो भी शेयर कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल, सेफ एंड सिक्योर। हुड.com दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं आप, वहां पर आप जो चाहे सच शेयर कर सकते हैं, लोग उससे एक वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। तो साक्स, हमारी आस्क है 1.2 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 0.2% इक्विटी इन द कंपनी। कितना वैल्यूएशन हो गया? 600 करोड़। ये हम शेयर कर सकते हैं कि इक्विटी ठीक है या नहीं खुद पे? बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो ब्यूटी है आपकी। शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक्स। और आपकी जो एंट्री थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। थैंक यू सो मच। लगता है ये कि तीनों ड्रामा किंग हैं, टोटल ड्रामेबाज हैं। मेरा नाम है जसवीर और मैं हूँ यूपी के एक छोटे से शहर एटा से। पढ़ाई में शुरू से ही तेज था, मैथ मेरी स्ट्रेंथ थी, बीएससी मैथमेटिक्स से की। फैमिली और आसपास के लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा बैकवर्ड रहा है, तो गाइड करने वाला कोई था नहीं। नंबर्स में तो था स्ट्रॉन्ग, तो मैंने अपना गड़ू लगा लिया कि आगे करना क्या है, और ऐसे शुरुआत हुई अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की। दो बड़ी कंपनीज बनाई और मुझसे 9 से 10 करोड़ का एग्जिट लिया, और उसके बाद खूब मेहनत की, और अब एक ही लक्ष्य है, वो है हुड को बड़ा बनाने। तो ये कंपनी हुड, हाँ, ये ज़ोरो रीब्रांडेड है? यस 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 यस। ज़ोरो में तो बहुत लोगों ने पैसा डाला था। यस यस, इसीलिए तो वैल्यूएशन है सर। आप में से एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अनॉनिमस पॉपुलर है, आप है ना, आप अपनी स्टोरी बताइए। मैं हूँ अभिषेक और मैं हूँ लखनऊ से। पहले मैं सुडोनिमस ब्लॉग लिखता था गब्बर सिंह के नाम का। जब डिलीट करने की बारी आई तो मैंने सोचा, देखा कि अकाउंट गब्बर सिंह का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा ब्लॉग्स बंद, ट्वीट्स चालू। ट्वीट्स एंड ट्रोल्स में बढ़ने से पहले पढ़ने भी ध्यान लगाया। इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए भी करी। बहुत सारी जगह मैंने जॉब भी करी और अच्छी जगह जॉब्स करी, लेकिन जो संतुष्टि अपना काम करने में वो कहीं नहीं। आपने तो शार्क टैंक की भी बड़ी बजाई थी। याद है मुझे, याद है। ये देखिए, ये तो ह्यूमर और सरकार नहीं, 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 ह्यूमर नहीं था, खुलवाए वो ट्वीट जरा। एक ना कहावत है, एवरी डॉग हैज हिज डे। गुड वन। आज के डॉबरमैन तो हम हैं। ये ऐप का आइडिया आपका था? नहीं, हम दोनों का था मिला के। आप बताओ। मेरा नाम है दीपक। कोडिंग मेरा काम है, जो मिनटों में करती काम तमाम। जम्मू से हूँ, जैसे वहाँ इंटरनेट नहीं वैसे मेरे जैसा कोई कोडर नहीं।
बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे जब मैंने एग्जिट ले लिया था, उसके बाद एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया और वो था डॉट रिव्यू, और वो सिंपल फन के लिए था। मुझे टैग नहीं आता था, दीपक उसमें फोड़ू थे, तो हमने बोला यार एक काम करो, तुम अभी क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा यार ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसको देख लेते हैं। तो डॉट रिव्यू का मतलब बहुत सिंपल था। हम लोग क्या कर रहे थे कि बेसिकली जहाँ पे जाके आप कुछ भी इन्वेस्टर्स के बारे में जान सकते हो, उसमें हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की और जिस कम्युनिटी का नाम था फाउंडर फोरम। तो जहाँ पे आके फाउंडर कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल किसी गर्लफ्रेंड है वो बोल रही है नहीं या तो स्टार्टअप कर लो या मेरे साथ रह लो। फाउंडर ऐसी बातें करते हैं कि गर्लफ्रेंड ये हो, ये डिस्कशन फोरम है कि गॉसिप फोरम? नहीं नहीं, डिस्कशन फोरम जहाँ पे ये भी है कि लेट्स टेक एग्जांपल कि सम इन्वेस्टर इज सेइंग कि आप ग्रोथ में फोकस करो, ये बेहतर एग्जांपल है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हमने देखा कि उस पे बहुत हाई एंगेजमेंट आ रहा है और मुझे एक बड़े स्केल का प्रोजेक्ट शुरू से ही करना था 2012 से, कि मतलब मेक इट समथिंग रियली रियली बिग। मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर तक सीमित नहीं है। तब हम अभिषेक से मिले गुड़गांव में, डिस्कस किया पूरा आइडिया, और अभिषेक स्यूडोनिमस अकाउंट ऑलरेडी एक रन करते हैं ट्विटर पे। तो वहां से फिर हमने ब्रेनस्टॉर्म किया, बीट टुक ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स टाइम ट्राई टू सी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर हमने डिसाइडेड द नेम जोरो। जोरो जोरो तो जोरो क्या करती है? मास्क ऑफ जोरो था ना, हाँ। तो वहां से आया था उसका नाम। ठीक है, तो ये एनोनिमस प्लेटफॉर्म है फॉर एवरीबॉडी टू टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन, फुल स्टॉप। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, एनोनिमस क्या होता है, स्यूडोनिमस क्या होता है? एनोनिमस क्या है कि कोई किसी की पहचान, किसी का नाम नहीं पता आपको। सिमिलरली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपकी कंपनी है, कोई एक प्राइवेट ग्रुप बनाया, 40 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो आप उस ग्रुप पे वो 40 लोग जो हैं वो आपको पता है कि आपकी कंपनी कहीं है, लेकिन कौन क्या है ये नहीं जानते। तो ये सुडोनिमस है, आपका अनोनिमस है। हमारा देखिए, हमारा सुडोनिमस प्लेटफॉर्म है क्योंकि आप आओगे इस पे तो ग्रुप्स हमारा बहुत बड़ा फीचर है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा ग्रुप उसमें दिखा दो ना, प्रोडक्ट ही दिखा दो। हाँ, तो आप जब ज्वाइन करते हैं बेसिकली तो आपको ये बताता है कि OTP पूछते हैं आपसे, तो मैं अभी नंबर डाल देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और हम आपको एक यूनिक यूजर नेम तुरंत दे देते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाय द वे, आपने कॉन्टैक्ट क्यों सिंक किया? आप तो एनोनिमस। ये वही सुडोनिमस वाली बात है कि अगर मैंने कॉन्टैक्ट सिंक किया है, मतलब कि मुझे पता है कि मेरे कॉन्टैक्ट के लोग, तो वो एक सुडोनिमस नेटवर्क। खाली उन्हीं से बात करूंगा मैं। हाँ, आप कर सकते हो। चाहो तो कर, चाहो तो बात। ऊपर देखिएगा तो हॉट ऑन फूड है, जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है ट्विटर पे, आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं चीजें। इसमें क्या होता है कि आपके जो जो ग्रुप आपने खुद बनाए हैं या खुद ज्वाइन किए हैं वो यहाँ पे आते हैं योर ग्रुप्स पे, और जो पॉपुलर ग्रुप्स हैं वो हॉट ग्रुप्स हैं। बेसिकली जैसे सैलरी कंपैरिजन ग्रुप है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। अब देखिए लोगों ने क्या क्या शेयर कर रखा है। आई एम वर्किंग SBI गेटिंग 70K प्लस 1 मंथ एंड अदर पर्क्स लाइक पेट्रोल फर्नीचर। अब इस पे लोगों ने पूछा कि क्या मैं MBA करूँ कि नहीं करूँ, तो लोगों ने डिसाइड आंसर दिया इसको। कितने लोगों ने आंसर दिया? 20 कमेंट्स हैं इसके ऊपर। तो बहुत ही कम है 20। तो अभी तो हमने शुरू ही किया है, तो मार्केटिंग चालू भी नहीं किया। तो बेसिकली हमने जून में लॉन्च किया, जून में हम वर टेस्टिंग आउट द स्केल, बिकॉज़ बी सी कि ये प्रोडक्ट में एनोनिमिटी इज इटसेल्फ इज अ वैरिटी, इज नॉट रिक्वायर्ड टू पुश अ प्रोडक्ट। सो बी नो कि प्रोडक्ट टेक ऑफ करेगा। जून के बाद हमने बहुत मिनिमल मार्केटिंग किया एंड लेस देन आई थिंक इज ऑलमोस्ट लाइक अ 45 डेज वी हिट मोर देन 500K यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड देन वी रियलाइज कि एक काम करते हैं, अब यहां से वी विल बेसिकली हिट अराउंड ऑलमोस्ट लाइक अ 10 मिलियन यूजर एंड देन विल बेसिकली मूव टू अनदर ज्योग्राफी। तो सेकंड मार्केट वी आर ट्राइंग टू टारगेट इज द यूएस मार्केट। अभी इंडिया कवर नहीं हुआ, बट सीधा यूएस जा रहे हैं। नहीं, 10 आफ्टर 10 मिलियन विल बेसिकली टारगेट द सेकंड मार्केट। ऐसा क्या है आप में कि 600 करोड़ की वैल्यूएशन? हमारे ग्रोथ की वेलोसिटी देखिए, इस टाइम पे हमने 45 डेज में 500K यूजर्स हिट कर लिए। हमने एग्जिस्टिंग ऑलरेडी 3.2 मिलियन यानी 23 करोड़ रुपए रेज कर रखे हैं। 23 करोड़ कहां से करें? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 20 यूनिकॉर्न फाउंडर्स ने। ठीक है, बट लास्ट वैल्यूएशन कितने राउंड पे किया था? 112 करोड़। और अब आप आए हो 600 करोड़ लेने के। ठीक, मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताऊं जल्दी से। ग्लोबली जितने भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो वैल्यूएशन डिपेंड करता है 2 फैक्टर। अच्छा, द स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड वेलोसिटी एंड टाइम, बेसिकली कि कितना बड़ा मार्केट है आप एड्रेस कर रहे हैं और किस वेलोसिटी से आप। ठीक है, आपने सोचा कि 600 करोड़। ठीक, आपने सोचा शार्क तो नेगोशिएट करेंगी, 600 करोड़ लगा लेते। आप प्री रेवेन्यू है? हाँ, प्री रेवेन्यू। तो नंबर्स की कोई मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करने का कोई फायदा नहीं, यूजर्स की बात। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। आपके पास कितने ग्रुप्स हैं और कितने लोगों को ऑनबोर्ड किया है? तो हमारे पास अभी करीब प्लेटफॉर्म में 5,000 ग्रुप बने हुए। टोटल यूजर्स करीब हमारे 7.5 लाख यूजर्स।
उसके अराउंड 30% उसका मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। तो कितना हो गया? 2,40,000 करीब। अच्छा, उससे डेली एक्टिव यूजर्स कितने? 60,000 डेली एक्टिव यूजर्स हैं। पर डे पोस्ट कितने होते हैं, क्योंकि कंटेंट सीडिंग नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? सो बेसिकली 10% यूजर्स जो आते हैं वो कंटेंट क्रिएट करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। 10% न्यू थ्रेड्स चालू होते हैं, एक थ्रेड में रिप्लाई भी आप काउंट कर रहे हैं? रिप्लाई भी काउंट करते हैं, रिप्लाई एंड पोस्ट बोथ। एक बार न्यू थ्रेड्स कितने चालू होते हैं वो बता दीजिए। वो 30-70 है। तो 1800 न्यू पोस्ट आती है? यस। अब ये बताइए जो थ्रेड 1800 न्यू पोस्ट आते हैं उसमें ऑन एन एवरेज कितने रिस्पॉन्सेज आते हैं? क्लोज टू बी आई थिंक 5-6। दैट्स इट। ऑन एन एवरेज किसी में बहुत ज्यादा होगा, किसी में जीरो होगा। 6 रिस्पॉन्स आ रहे हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैक्शन चाहिए होगा पर पोस्ट। आई टॉक ऑनेस्टली, देखिए क्या है कि 45 डेज में जो ग्रोथ हुई है ना, सारे नंबर्स हिले हुए। अभी एवरेज बताना ना किस टाइम पे कि ये एवरेज क्या है, मे बी दैट एवरेज वुड बी अ 1 मंथ ओल्डर डेटा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं आपको 2 महीने बाद बताऊंगा डेटा, तो वो डेटा काफी डिफरेंट होगा। देखिए, आपका जवाब मुझे बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि आपका अगर सोशल नेटवर्क बना रहे हो आप तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पोस्ट आई उसमें लोगों ने कितने रिस्पॉन्स की, एंगेजमेंट रेशियो कितना आया, राइट? इट इज नॉट अ प्रोडक्ट मार्केट फिट येट अंटिल आपके एक पोस्ट पे जबरदस्त एंगेजमेंट है। आप ट्विटर में आपने देखे जो आप गब्बर सिंह चलाते हैं, आपके एक पोस्ट पे कितने आते हैं बताइए, लाइक्स? नहीं देखिए, मीटिंग दीजिए अपनी, 60-70 आते हैं एटलीस्ट रिप्लाई। अपना यहाँ पर तो कुछ नंबर ही नहीं आ रहा, 5-6 अगर देख रहा हूँ। इसका रीजन है, देखिए अभी हमने कुछ, अभी ये बढ़ रहा है प्लेटफॉर्म, ठीक है? बेसिकली अमित उनका रिस्पांस है कि दे आर न्यू एंड इट विल हैपन। यू नो, आप है ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, अभी बहुत काम बाकी है। सोशल नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कम लोग कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है आपको भी सोचना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए बहुत टफ है, इसलिए हम यहाँ पे आए। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद कॉलेजेस जा रहा हूँ, अगले हफ्ते मैं आई एम अहमदाबाद जा रहा हूँ लोगों को बताने की, वो बुलाया कि क्या करना है। आपको कॉलेज जाना पड़ रहा है मार्केट करने के लिए, आपको कोई गड़बड़ नहीं लग रही है कि सोशल नेटवर्क कंपनी को एक कॉलेज में जाके शो करना पड़ेगा अपना प्लेटफॉर्म मार्केट करने के लिए? नहीं, मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं जाके लेक्चर दे रहा हूँ इसमें, ऐसा नहीं। क्या जरूरत होनी चाहिए अगर प्लेटफॉर्म इतना केपेबल है, ये तो वायरल हो जाता है। आप ये बताइए, आप इस प्लेटफॉर्म को वायरल करने के लिए, जैसे वायरल मार्केटिंग कहते हैं, उसके लिए क्या आपने 3-4 चीजें सोची हैं, फीचर्स जिससे ये वायरल हो जाए? प्रूफ बेस। सपोज ये कंपनी है, 20 लोग इस ग्रुप पे हैं, और जब 20 लोग आपसे बातें कर रहे हैं तो क्या होगा, जो 21वां बंदा जो होगा ना उसको आना इजी होगा, बिकॉज ही इज दो होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसको लाएंगे कैसे, इज क्वेश्चन। मैं फिर से पूछ रहा हूं भाई, उसका आसान से जवाब दे दो ना। वायरलिटी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कितना एक आंकड़ा होता है, वो जवाब दे दीजिए, पता चल जाएगा। तो अब वैरायटी क्वेश्चन, एक बंदा है, एटलीस्ट 3 बंदे लाए। अभी लाते हैं वो? अभी तो ला रहा है। तो आपकी फिर ग्रोथ तो पता नहीं कितनी होनी चाहिए, अगर आज 7 लाख आप बोल रहे हो इतने डाउनलोड हो गए, तो आपको मिलियन बहुत आगे होनी चाहिए। नहीं तो न्यूमरेटर वही कम है ना, अभी तो हम ज्यादा लोग तक पहुंचे ही नहीं है, ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है आपके बारे में। अच्छा, उनका हर एक आंसर वही है कि वी आर न्यू, वी आर न्यू। मुझे क्या लग रहा है ना, ये प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट कंपनी है, बिजनेस है, यहाँ आप आए हो मार्केटिंग के लिए, सिर्फ मार्केटिंग के लिए, और किसके लिए नहीं, क्योंकि 1.2 crores एट 0.2% इज अ जोक। और हम शार्क्स का करोगे क्या, 20 यूनिकॉर्न फाउंडर आपने ऑलरेडी बोल दिया। मुझे लग रहा है आप एक घोड़े पे बैठ गए हो ये सोच के कि इसको यूनिकॉर्न में बदलना है, और ये आपका पर्पस हो गया है। अनोनिमस नेटवर्क्स आर डेड, कोई गवर्नमेंट दुनिया में अनोनिमस नेटवर्क्स नहीं अलाउ करेगी, डार्क वेब के अलावा। सुडोनिमस नेटवर्क्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्विटर, इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम, इन द फॉर्म ऑफ कोरा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिट, देयर इज नो यूज केस। So I'm out. Good luck. I think कि आप लोग जो 600 करोड़ मांग रहे हैं, you need a reality check. What your valuation is, what your value proposition is. और हर एक सवाल का आपका जवाब है हम नए हैं, हम नए हैं, लेकिन valuation 600 करोड़ का है। तो ये बहुत बहुत misconceptions हैं आपके दिमाग में। And for that reason, I don't want to be a part of your journey, and I'm out. आज तक हिस्ट्री में इंडिया से कोई सोशल वायरल नेटवर्क बना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आगे नहीं बनेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं कि आप इसमें सक्सीड होंगे। I think the determination and the mission that I think last almost like 10 years that I'm trying to achieve, and we have like a great team.
हमने 12 साल लगाए हैं हम इंटरनेट पे, रोज आके रोज लिखा है, लोगों का एक्सपीरियंस देखा है, लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, और वो जो लर्निंग है वो हमने इसमें डाली है बेसिकली। हमने जून में लॉन्च करने के बाद हमारे पास क्लोज टू 1 लाख यूजर्स थे। इफ यू सी टुडे वी हैव ग्रोन 7 times in 45 days। चलो मैं समझ गया हूं, आप अपना डिसीजन बता दीजिए फिर मैं बता दूं। मेरे को आईडिया पे कन्विक्शन थी, पर यहाँ पर हुआ क्या कि आप लोग की ह्यूमिलिटी नहीं दिखी मेरे को। एक फाउंडर की एक ह्यूमिलिटी होती है कि मैं आया हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, जो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वायरलिटी कोएफिशिएंट कितना है, ये आप लोग को पता नहीं, मेरे पास 7x हो गया, यही आप बोले जा रहे हो तब से। उस यूफोरियम में मत आइए, थोड़ा जमीन पे वापस आइए। जो राइट नंबर है उनको डेली देखना पड़ेगा, अगर ये नंबर आप डेली नहीं देख रहे तो फिर नेटवर्क नहीं बना पाओगे। इन वजहों से मैं आउट होना चाहूँगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। मुझे बहुत अच्छे लगे आप, जैसे अनुपम कह रहे थे, मैं उनकी बात से भी सहमत नहीं हूँ। वो कह रहे थे आप घोड़े पे सवार हो यूनिकॉर्न बनने के लिए, तो कोई हार्म नहीं है। मुझे नहीं लगता आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, मुझे लगता आप कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ बैड थिंग। 600 करोड़ की वैल्यूएशन मेरे को समझ नहीं आता। सीईओ कौन है आपने? क्या सोच रहा हूँ मैं डालना चाहता हूँ, मैं भी डालना चाहता हूँ। मेरे को पर एक कंसर्न है, मैं रीप्राइज नहीं करूंगा एक। आई कैन कम एज पार्ट ऑफ द लास्ट राउंड? यस, मी टू। आई नो काफी हिले हुए हैं कॉन्सेप्ट सभी, हमें और मैं डिस्कस कर लेते हैं इतने नंबर पर, यही कंडीशन है और कोई कंडीशन? जिस तरह से अमन ने आपका स्वागत किया अबाउट शार्क टैंक, मुझे तो नहीं लग रहा था ऑफर मिलेगा, तो ये तो बहुत मतलब कंप्लीट पासा पलट गया। यार मैं और अमन आपको 60 लाख इक्विटी देंगे, 30-30 लाख ईच, 60 लाख डेट देंगे एज एंड व्हेन यू नीड। डेट के टर्म्स होंगे 12%, हम पिछले राउंड की वैल्यूएशन पे आएंगे, व्हिच विल कम टू अप्रोक्सीमेटली 0.5%। टोटल आएगा 0.53%। हां 0.53% आएगा, ठीक है। तो हम एक मिनट का टाइम, जल्दी ले लीजिए। ठीक है, पढ़ो। डेट कैसे लेंगे यार, ये तो पैसे नहीं बनाते। लास्ट वाले पे लोगे ना, तो फिर रिवाइज करना चैलेंज होगा। छोटा सा अमाउंट है, मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन चांसेस ये भी है कि मना कर ले। शार्क टैंक के बजाय मतलब वो उसका पुराना अतीत, बट अभी ही इज डूइंग समथिंग, ट्राइंग टू डू समथिंग। I just want to be, but I felt nice about it, and I felt दिल से अच्छा लगा। दिल से आवाज़ है। तो थैंक यू पीयूष एंड अमन। Let's have a deal. Oh nice. मेरे को ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, पर आपने एक बात बोली कि आप 2012 से कुछ बड़ा करने की ट्राई कर रहे हो, तो मैं भी ऐसे ही एक टाइम पे कर रहा था। तो देखो, will this be the time? इंसान का कर्तव्य कोशिश करना। हाँ, मैं भी ना खाऊंगा सब ऊपर वाले का। डायलॉग की बात में आई।